ड्राइंग करना मजेदार होता है, लेकिन यह तब और भी अधिक मजेदार होता है जब ड्राइंग एक अच्छे पुरस्कार के लिए एक प्रतियोगिता में बदल जाती है। आज रापापा में ऐसा ही होगा, तो बने रहे। लड़कियों देखो, जो कोई सबसे ज्यादा कोशिश करेगा और सबसे अच्छी ड्राइंग बनाएगा उसे यह सबसे खूबसूरत ताज मिलेगा। वह वैसे रानी की है। आपके पास ड्रॉ करने के लिए केवल एक मिनट है और आपका समय अब शुरू होता है। मुझे लगता है कि मैं इस ताज में बहुत सुंदर लगूंगी। बांगे पत्थर मुझे सूट करते हैं। इसके अलावा मैं ड्राइंग में बहुत अच्छी हूँ। कोई आश्चर्य की बात नहीं कि मैंने अपना पूरा बचपन आर्ट स्कूल में बिताया है। यह बुरा नहीं निकला, लेकिन कुछ स्पष्ट रूप से गायब है। किन के पत्थर जोड़ने की जरूरत है, मैं अभी आती हूँ। यह ठीक वैसा ही है जैसा मुझे चाहिए, एक बहुत बड़ा सोने का पत्थर। अच्छी बात है कि मैं माइनक्राफ्ट खेलती हूँ, मेरी गेमिंग स्किल्स यहाँ काम आए। और अंदर कितने कीमती पत्थर है, मुझे ज्यादा से ज्यादा चमक चाहिए। और उनके बारे में क्या, जिन्हें ड्रॉ करना नहीं आता लेकिन उन्हें भी ताज चाहिए। नहीं, ये अच्छा नहीं है, मेरी ड्राइंग बस भयानक है। लेकिन मेरे पास एक अच्छा बैकअप प्लान है। अगर यह रानी का ताज है तो यह एक से अधिक बार चोरी हो चुका है, मैं क्यों ना चोरी कर लूं। खड़े हो जाओ, पुलिस यहाँ, यहाँ है। वह ताज चुराने की कोशिश कर रही है, बहुत कीमती है। अच्छा, अपना मास्क उतारो कमीने। ये सिर्फ मैं हूँ, मेरे ऊपर चिल्लाना मत प्लीज। हम चिल्लाएंगे नहीं, लेकिन बेहतर होगा कि हम तुम्हें हथकड़ी में बांध दें, या इस तरह सुरक्षित रहेगा। ओ नहीं, अब मैं निश्चित रूप से नहीं जीत सकती हूँ। मैं अभी कल्पना कर सकती हूँ जब मुझे जैक ताज पहनाएगा और हम साथ में नाचेंगे और हम सच्चे प्यार में हैं। जैक, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, ये ताज मुझे पहनाओ। मैं आ गई। जब तक एमा सपना देख रही थी और विवियन चोरी कर रही थी, मैं असली काम में लगी हुई थी। मैं इन पत्थरों का खनन कर रही थी। लड़कियों, समय समाप्त हो गया है, अपने ड्राइंग्स दिखाओ। देखो, तुम्हें ये पसंद आएगा, मैंने बहुत लंबे समय तक कोशिश की खनन किए पत्थर। एमा मुझे क्यों नहीं सुन सकती, अरे ड्राइंग दिखा। ओ माफ करना, मैं अपने सपनों में खो गई थी। तुम ड्रॉ कर रही थी, एक बहुत बड़ा हादसा हो गया था। विवियन जेल जाने वाली थी, इसलिए वह प्रतियोगिता से निकल गई है। और बाकी लोगों ने क्या बनाया है? वाह एमा, मैं खुश नहीं हूँ, मैंने पहले कभी ऐसी ड्राइंग नहीं देखी। ये ताज की तरफ बिल्कुल नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी ये मुझे अच्छा लगा। वाह, जूलिया का ड्राइंग मस्त है, ये ओरिजिनल की तरह दिख रहा है। मुझे लगता है कि यह स्पष्ट है कि जूलिया आज की विजेता है। अरे, मैं जानती थी, मुझे मेरा ताज दो। मैंने इतने लंबे समय तक पिक के साथ माइनिंग किया, मैं सभी को दिखाना चाहती हूँ कि मैं कितनी शानदार हूँ। वाह, यह इतनी खूबसूरती से चमकता है। यह बड़ा गुब्बारा कौन चाहता है? मैं। फिर ड्राइंग शुरू करो, क्योंकि आपका समय शुरू हो चुका है। इस बार फेल्ट टिप पेन से ड्रॉ करना जरूरी है, लेकिन यह बिल्कुल वह नहीं है जो मुझे चाहिए। कोई बात नहीं, मेरे पास पहले से ही एक अच्छा विचार है। मैं निश्चित रूप से फेल्ट टिप पेन से इतनी खूबसूरती से नहीं ड्रॉ कर पाऊंगी, लेकिन गम और स्पार्कल्स की मदद से मैं वास्तव में कुछ सुंदर बना सकती हूँ। क्या? एक छोटा सा क्राफ्ट, छोटा लेकिन बहुत सुंदर। ये अच्छा है। और वहाँ और लोग क्या कर रहे हैं? मैं कुछ ज्यादा नहीं कर रही हूँ, बस एक सिंपल ड्राइंग बना रही हूँ। अब तक ये बहुत अच्छा निकला और ठीक वैसी जैसे मैंने योजना बनाई थी। अरे, ये सब कागज कहाँ से आ रहे हैं? विवियन, क्या हुआ? मुझे तंग मत करो, मैं एक रचनात्मक संकट में हूँ। मैं कुछ भी नहीं ड्रॉ कर पा रही हूँ और मैं अब नहीं जानती कि क्या करना है, लेकिन मुझे वास्तव में बैलून चाहिए। बिल्कुल बैलून, अगर मैं इसे ड्रॉ नहीं कर सकती तो मुझे बस अपना फुला देना होगा। मुझे नहीं लगता कि जैक मेरे काम और एक असली गुब्बारे के बीच अंतर को नोटिस भी करेगा। केवल चित्र को पूरा करने के लिए अब डॉट्स बनाना बाकी है। मेरा यह प्रतियोगिता जीतने का सपना इस गुब्बारे की तरह फट गया। बुरी किस्मत, तुम हार गई। लेकिन मुझे जूलिया के साथ क्या करना चाहिए? वो भी अभी भी जीत सकती है। बिल्कुल विवियन की तरह इसके काम को भी फोड़ना होगा। समय समाप्त हो गया, चित्र दिखा। लेकिन मुझे काम करना होगा इस तरह। अरे ओ नहीं, तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। चलो देखते हैं कि हमारे पास क्या है।
विवियन, तुम्हारा दूसरा काम ठीक नहीं है, यह सिर्फ भयानक है। एमा को देखो, उसका ड्राइंग बहुत सुंदर है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके ड्राइंग असली जैसे दिखते हैं। हाँ, जूलिया का भी अच्छा नहीं है। तुम्हारे पास बहुत सुंदर ताज था, लेकिन यह बैलून बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि हमारी विजेता है एमा। बधाई हो। अरे, मैं वास्तव में यह गुब्बारा चाहती थी। बहुत सुंदर है और बहुत बड़ा भी, यहाँ तक कि बहुत ज्यादा ही बड़ा। मेरी मदद करो, यह गुब्बारा मुझे ले जा रहा है। रुको, दूर मत उड़ो। अच्छा, अब क्या कर सकते हैं, हमें उसके बिना ही खेलना होगा। यह कितना डरावना है, इतना ऊंचा, लेकिन ये बहुत सुंदर है। मैंने ऐसी प्रजातियाँ कभी नहीं देखी है। अरे अरे नहीं, 5 मिनट फ्लाइट नॉर्मल है। क्या आप इस कूल कॉटन कैंडी को एक प्यारे मिनियन के आकार में आजमाना चाहेंगे? मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, यह न केवल सुंदर है बल्कि बहुत स्वादिष्ट भी है। बिल्कुल। फिर अपने ब्रश लो और ड्राइंग शुरू करो, आपके पास ज्यादा समय नहीं है और यह पहले ही शुरू हो चुका है। मैं क्या करूँ, ड्राइंग के लिए कौन सा रंग चुनूँ? बाकी लोग आधा ड्राइंग बना भी चुके हैं और मैंने शुरू भी नहीं किया है। बिल्कुल, मेरे पास एक आइडिया है। पीले रंग की क्या जरूरत है जब मैं कुछ स्वादिष्ट के साथ पेंट कर सकती हूँ। मुझे यही चाहिए था। चीनी कैरामेल बन जाएगा और वो पीला होता है। बस एकदम सही। क्या तुम्हें सच में लगता है कि कैरामेल पीला निकलेगा? बेशक, मुझे यकीन है। ओ नहीं नहीं, ये भूरे रंग की गंदगी में बदल गया है। मैंने कहा था, अब मेरे लिए मुख्य बात यह है कि जूलिया की तरह बेतुके ढंग से ड्राइंग को खराब ना करना, लेकिन अपनी ड्राइंग को अच्छा बनाने के लिए मुझे कुछ करना होगा। मैं अभी आती हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? हाँ, क्या फर्क पड़ता है? कॉटन बनाने के लिए बैंडेज से बेहतर और क्या हो सकता है? मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छा ड्राइंग बना पाऊंगी। जैक को पता भी नहीं चलेगा कि ओरिजिनल नहीं है और वो इसे खाने की कोशिश भी कर सकता है। आखिरकार मेरे पास एक अच्छी ड्राइंग है। मुझे लग रहा था कि मैं ड्राइंग ही नहीं कर सकती, अब मैं ही विजेता होऊंगी। अगर ये एमा मेरे लिए सब कुछ बकवास नहीं करती है तो उसकी ड्राइंग भी उतनी खराब नहीं है। क्या करूं? बिल्कुल, बस एमा की ड्राइंग को बर्बाद करना है। लाल मिर्च इसमें मेरी मदद करेगी। लड़कियों, वहाँ आग लगी है, भागो। तुमने क्या किया? तुमने यह मिर्च क्यों खाया? क्या तुमने ये जानबूझकर किया? मेरा मतलब यह नहीं था, मुझे माफ कर दो। अब जीत निश्चित रूप से मेरी है। तुम लोग कैसे हो उधर, जिंदा हो? तुम्हारा समय खत्म हो चुका है, अपने काम दिखाओ। जूलिया, यह क्या बकवास है? नहीं, अच्छा नहीं है। ये बकवास नहीं है, ये एक मीठा कैरामेल है। मुझे परवाह नहीं। एमा, तुम्हारी ड्राइंग को क्या हुआ? वो अंगारों में क्यों ढका हुआ है? ये मेरी गलती नहीं है, ये सब उसकी गलती है। मुझे परवाह नहीं है, तुम लोगों के पास इतने गंदे ड्राइंग्स क्यों हैं? विवियन के पास कुछ बेकार ड्राइंग है, मैं यह सह नहीं सकता। तुम लोगों को पेंट करना नहीं आता तो मैं ही यह खा लेता हूँ, बस। अरे नहीं, यह हमारी ट्रीट है। क्या कर रहे हो? उसे पुरस्कार मिलेगा। कुछ मुझे बता रहा है कि यह जल्द ही कुछ रोमांटिक होने वाला है। लगता है मैरी ईथन के लिए एक तोहफा लेकर आई है। चलो मैरी, हमें तुम पर विश्वास है। ईथन, ओ हाय, नहीं, विवियन सब बर्बाद कर देगी। वाह, धन्यवाद मैरी, मुझे ऐसे उपहार की कोई उम्मीद नहीं थी। ये तुम्हारे लिए नहीं है, वापस दो। यहाँ क्या चल रहा है? बस खेल खत्म हुआ, अब ये उपहार मेरा है। पर वैसे मेरे पास एक बेहतर आइडिया है। सभी का चुनौती में स्वागत है। हम कहाँ हैं? क्या हो रहा है? हेलो दोस्तों,
क्या तुम जानने के लिए तैयार हो कि तुम्हारा पहला पुरस्कार क्या है? यह है एक बड़ा पॉपिट जो एक दिल के आकार का है। इससे बेहतर और क्या हो सकता था? वैसे एक और बात है, तुम साधारण पेंट से नहीं बल्कि स्किटल्स कैंडी से पेंटिंग करोगे। तुम्हारा एक मिनट शुरू होता है अब। क्या तुमने कहा स्किटल्स? ऐसी चीज से मैं भला पेंटिंग क्यों करूँगा? ज्यादा अच्छा होगा इसे खाना। हाँ, यह कैंडी कितना स्वादिष्ट है। मुझे अब तक समझ नहीं आ रहा है कि स्किटल्स को पेंट में कैसे बदलते हैं, पर इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास एक बढ़िया आइडिया है। अगर मैं स्किटल से पेंट नहीं कर सकती तो मैं कैंडी से पॉपिट बना ही सकती हूँ ना। देखो कितना सुंदर सा दिल है, कैसा लगा? सच में बहुत प्यारा है। और मैं तो नियमों के हिसाब से ही ड्राइंग करूंगी, ठीक वैसा जैसे पीटर ने कहा है। स्किटल्स में थोड़ा पेंट होता है, जिसका मतलब है कि अगर मैं कैंडी पर थोड़ा पानी डालूं, तब इसका पेंट उतर जाएगा और मैं ड्राइंग कर पाऊंगी। क्या तुम्हें लगता है काम करेगा? अजीब लग रहा है। बेशक करेगा, यह पेंट असली पेंट से कुछ अलग नहीं है। कितना अच्छा लग रहा है। लगता है पानी ने सच में स्किटल्स को पेंट में बदल दिया है। फिर मुझे भी अपने कैंडी पर पानी डालना होगा। तुम बस अपनी ड्राइंग खराब कर रही हो। ऐसा कुछ नहीं है, बस ब्रश से कुछ स्ट्रोक लगाती हूँ और ये ठीक हो जाएगा। मैंने अपना ट्रीट तो खा लिया। सुनो विवियन, शायद तुम मेरे साथ थोड़ा शेयर करना चाहोगी? बिल्कुल नहीं। दोस्तों, तुम्हारा समय समाप्त हो गया है। दिखाओ किसने क्या बनाया है। ईथन, तुम्हारा कागज खाली क्यों है? तुम्हें पता नहीं कि तुम पुरस्कार नहीं जीत पाओगे, बुखर। विवियन, तुम्हारा वो छेद भी कुछ अच्छा नहीं है। ये एक ड्राइंग चुनौती है, ना कि पेपर को फाड़ने की। वाह, पर मैरी का काम तो कमाल का है, इसीलिए ये मस्त पॉपिट भी उसे जाएगा। हुर्रे, अब दुनिया की सबसे अच्छी पॉपिट मेरी है, कितना बढ़िया। दोस्तों, इस बार किस्मत ने तुम्हारा साथ नहीं दिया। यह मछली है और यह बदबूदार भी है। अफसोस है कि तुम में से किसी एक को यह मिलेगा। टाइमर शुरू हो गया है। वाह, इस बार हमें सॉस से ड्राइंग करनी है। वाह, मैंने इससे पहले कभी सॉस से पेंटिंग नहीं की है। अब मैं सॉस के रैपर में ढक गई हूँ। ओ, प्लीज मुझे माफ कर दो, गलती से हो गया। मैं ये अभी हटा देता हूँ। ईथन, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम वहाँ क्या कर रहे हो। कुछ भी नहीं, मैं बस अब ड्राइंग करता हूँ, गुस्साओ मत। यह ड्राइंग स्वादिष्ट और अच्छा दोनों होने वाला है। बिंगो। सॉस से पेंटिंग कैसे किया जा सकता है? अगर टैलेंट हो तो कुछ भी किया जा सकता है। देखो कितना अच्छा बना रही है। पर पेंटिंग करूं ही क्यों अगर मैं ये सॉस खा सकती हूँ? कितना स्वादिष्ट है और कितने सारे भी। वाह, मजा आ गया। पर तुम ड्राइंग नहीं करोगे तो तुम्हें मछली मिल जाएगी। मुझे परेशान मत करो, खाने दो। तुम अजीब हो, मुझे लगा तुम्हें वो गंदी मछली नहीं चाहिए होगी, पर जैसी तुम्हारी मर्जी। नहीं, ये क्या हो गया? उफ, मेरी ड्राइंग बर्बाद हो गई, मैं क्या करूंगा? चिंता मत करो इथन, सब ठीक हो जाएगा। समय खत्म हुआ, अपने ड्राइंग दिखाओ। क्या करूं? हाँ, इथन का ड्राइंग चुरा लेती हूँ, उसे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
विवियन, इस बार तुमने काफी बेहतर किया है, मानना होगा। लेकिन ईथन ने फिर चीटिंग करने का फैसला लिया है और उसने कुछ नहीं बनाया है। क्या? पर मैंने तो ड्राइंग की थी। मैरी ने हमेशा की तरह बहुत अच्छा काम किया है। मेरी ड्राइंग किधर गई? देखो, विवियन ने चुराया है। ईथन, इस बार मछली उसे जाती है जिसने सबसे खराब ड्राइंग की है, इसलिए बधाई हो। घबराओ मत, तुम इसे पका सकते हो, फिर स्वाद अच्छा हो जाएगा। अच्छा ठीक है, कोशिश करता हूँ। अरे ये तुम क्या कर रहे हो, मुझे पूरा जला दिया। वो लुक तुम्हें सूट कर रहा है। देखता हूँ कि मैं एक स्वादिष्ट मछली बना सकता हूँ या नहीं। वाह, महक तो कमाल की आ रही है। तो चलो इसे जल्दी से चखते हैं। हाँ ठीक है, खाओ, मुझे वो वैसे भी नहीं चाहिए था। यह क्या है, हमारे रंग कहाँ है? परेशान मत हो, इस बार तुम्हारा पुरस्कार यह शानदार बॉल गाउन होगा और इसे मैनेकिन पर 3D पेंट से बनाना होगा। यह ड्रेस अजीब पुरस्कार है, मुझे ड्रेस की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, पर फिर भी तुम्हें बनाना होगा। तुम्हारा समय शुरू हो चुका है। यह एक शानदार ड्रेस है, मैं इसे पहनकर एक राजकुमारी दिखूंगी। मुझे ये जीतना ही होगा। मुझे भी ये ड्रेस चाहिए। हालांकि एक समस्या है, मुझे नहीं पता कि 3D पेंट का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। मैं क्या करूं? लगता है मैं सच में बहुत अच्छा बना रही हूँ। कितना अच्छा बन रहा है। मेरी कार देखो। मुझे परेशान मत करो, अभी मुझे ये पूरा करना है। मैरी, क्या तुम्हें ये पसंद है? हाँ, ये बहुत अच्छा है, तुम एक असली 3D कलाकार हो। बहुत बहुत धन्यवाद, मैंने पूरी कोशिश की। सुनो ईथन, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मैं ये ड्रेस नहीं बना पा रही हूँ। हाँ क्यों नहीं, मैं मदद के लिए हमेशा तैयार हूँ। वाह, तुम्हारे पास मस्त ड्रेस है। दोस्तों, समय समाप्त हो गया, यह तुम्हारे 3D ड्राइंग दिखाने का समय है। क्या? नहीं, मैंने ये नहीं बनाया है। वाह ईथन, मुझे ये पसंद आया। तुम्हें मेरा काम कैसा लगा? उफ़, ये टूट गया। ड्रेस ना गिरे तो अच्छा होगा। मैरी, तुम्हारी ड्रेस कहाँ है? मैं वो देखो नहीं। तो हमारा विजेता ईथन है। मुझे यकीन है कि यह शाही ड्रेस उस पर बहुत जचेगी। ईथन ड्रेस में, जल्दी ही तस्वीर लेनी चाहिए, इससे ज्यादा मजेदार और कुछ नहीं हो सकता है। नहीं, तुम फोटो नहीं खींच सकती, इसे बंद करो। धन्यवाद मैरी, तुमने सही किया, नहीं तो वो फोटो इंटरनेट पर डाल देती। ये तुमने क्या किया, अब मेरा फोन टूट गया। इस दौर में तुम लोग जरूर खुश हो जाओगे। सबसे पहले तो तुम्हारा पुरस्कार एक क्राउन है जिसमें बहुत सारे रत्न जड़े हुए हैं। और दूसरी बात, इस बार तुम पेंट से नहीं बल्कि बार्बी सेट के मेकअप किट से ड्रॉ करोगे, यह मजेदार होगा। तुम्हारा समय शुरू हो रहा है। बार्बी सेट, वाह, मैं हमेशा से इसे लेना चाहती थी। मुझे किसी क्राउन की जरूरत नहीं है, बल्कि मैं अपने आप को एक अच्छा मेकओवर देना चाहूंगी। मेकअप, मैं इसका क्या करूं? यह सेट मैंने पहली बार देखा है। मुझे वास्तव में यह क्राउन चाहिए, इसलिए मैं इसे बहुत अच्छे से बनाने की कोशिश करूंगी। देखो ईथन, यह आसान है, तुम भी बना सकते हो। हाँ धन्यवाद, फिर मैं भी तुम्हारे साथ क्राउन के लिए लड़ूंगा।
बहुत सारे प्रतियोगी हैं और मुझे लगता है कि मुझे पता है उनमें से एक को कैसे हटाया जा सकता है। ईथन, तुमने ऐसा क्यों किया? मेरी ड्राइंग बर्बाद हो गई। मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया है, मैं सच कह रहा हूँ। रुको, मुझे इसे ठीक करने दो, शायद ये काम कर जाए। मुझे लगता है कि सबसे अच्छा होगा कि तुम मेरी ड्राइंग ले लो और मैं तुम्हारा ले लेता हूँ। अब मैं ऐसा क्राउन बनाऊंगी कि कोई मैरी या ईथन मुझसे मुकाबला नहीं कर पाएंगे, तुम देखना। ड्राइंग करना जरूरी है? अच्छा होगा कि मैं एक कागज का क्राउन बना लेता हूँ। देखो कितना अच्छा, असली क्राउन। वाह, बहुत अच्छा। Hey, stop! रुको, अपना काम दिखाने का समय आ गया है। अपने ड्राइंग दिखाओ। मैरी, इस बार तुम्हारा ड्राइंग करने में मन नहीं लगा, मुझे पसंद नहीं आया। ईथन, तुमने बहुत अच्छी क्राफ्ट बनाई है, लेकिन हमारी प्रतियोगिता ड्राइंग की है। लेकिन विवियन का काम बहुत अच्छा है, यह सबसे अच्छा क्राउन है जिसे मैंने कभी देखा है। यहाँ आओ, मैं तुम्हें ताज पहनाऊंगा। हुर्रे, आखिरकार। क्या कोई राजकुमार भी होगा? क्यों नहीं। अरे वाह, राजकुमार, मैं कितनी खुश हूँ। ये कितना भयानक है, बचाओ मॉन्स्टर। मैरी, मेरे पास तुम्हारे लिए क्राउन है, तुम हमेशा मेरी रानी रहोगी। धन्यवाद, तुम बहुत प्यारे हो। ये फूल तुम्हारे लिए है। मैं दुनिया की सबसे खुशकिस्मत राजकुमारी हूँ। रा पापा को सब्सक्राइब करें ताकि आप किसी भी मजेदार और दिलचस्प चुनौती को मिस ना करें। हमारे साथ